आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि आखिर कितनी फीस ली विजय थैलापति ने अपनी अपकमिंग मूवी के लिए। साथ ही सलमान खान की टीम ने क्यों फैंस को किया वार्न और हेरा फेरी 3 कब होने वाली है रिलीज। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। स्त्री 2 कोरियोग्राफर पर लगा सेक्सुअली असॉल्ट का अक्यूज। री ओन कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर ने स्त्री 2 सॉन्ग आईना को कोरियोग्राफ किया था। वहीं 21 ईयर कोरियोग्राफर ने जॉनी मास्टर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है वो कुछ महीने से जॉनी मास्टर के साथ काम कर रही थी, पर आउटडोर शूट्स के दौरान जॉनी ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार कई जगहों पर। क्या देवरा का नया ट्रेलर आने वाला है। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की तेलुगु मूवी देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं इस मूवी के प्रमोशंस भी चालू हो गए हैं, जिसमें मूवी के ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है। वहीं कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद नहीं आया है, इसलिए मेकर्स ने फैसला किया कि आने वाले इवेंट में वो देवरा का एक और नया ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं। जूनियर एनटीआर फिल्म को लेकर थोड़े नर्वस भी हैं, क्योंकि 6 साल बाद वो अपनी सोलो फिल्म करने जा रहे हैं। मैं क्यों अजय देवगन से बात करूं? ऐसा क्यों कहा अनीस ने। अनीस बज्मी की मूवी भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन दिवाली में क्लैश होने वाली है। वहीं एक बातचीत में अनीस क्लैश को लेकर बताते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्यों बात करूं अजय देवगन से? ये डिसीजन प्रोड्यूसर का है, मैं तो बस एक डायरेक्टर हूं। सिंघम अगेन की टीम दिवाली रिलीज के लिए इंसिस्ट कर रही है, और क्लैश कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं होता है। हमने अपनी मूवी 1 साल पहले ही एडवांस में अनाउंस कर दी थी, लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड ने की साथ में आरती। गणपति विसर्जन में ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद साथ नजर आए गणपति की आरती करते हुए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें ऋतिक ने व्हाइट टी शर्ट और पैंट पहनी है और सबा ने ट्रेडिशनल येलो आउटफिट। उन दोनों के साथ ऋतिक की फैमिली राकेश रोशन, पिंकी और सुनैना भी नजर आ रहे हैं। फैंस इस वीडियो के नीचे गणपति पापा मोरिया कमेंट कर रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमार ने खरीदा एक लग्जरी घर। मल्टी टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पृथ्वीराज कुमार ने अपने रियल स्टेट पोर्टफोलियो में एक बड़ा कदम रखा है। 123 तेलुगु रिपोर्ट्स की माने तो पृथ्वीराज सुकुमार ने एक लग्जरी ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट मुंबई के पाले हिल्स में खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 30.6 करोड़ है, जिसके लिए उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 1.8 करोड़ एंड रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 दी है। और उनकी ये पहली प्रॉपर्टी नहीं है, इससे पहले भी सेम एरिया में उनके और उनकी वाइफ की एक और प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत लगभग 17 करोड़ है। अक्षय कुमार नजर आएंगे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ। जहां अक्षय कुमार अपनी पेट्रियोटिक फिल्म के लिए जाने जाते हैं, वहीं वो जल्द नजर आने वाले हैं नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान के साथ। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो संजय पूरन सिंह चौहान अपनी अपकमिंग मूवी तिरंगा में अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाले हैं। इससे पहले संजय ने लाहौर और 72 हूरे जैसी फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। साथ ही रणवीर सिंह की क्रिकेट ड्रामा मूवी 83 भी उन्होंने ही लिखी है, और अब वो जल्द ही नजर आएंगे अक्षय कुमार के साथ। BGMI की ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। मेकर्स ऑफ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI क्राफ्टॉन ने दीपिका पादुकोण के साथ अपनी नई पार्टनरशिप अनाउंस की है। इस एक साल के कोलैबोरेशन में दीपिका पादुकोण BGMI की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नजर आने वाली हैं। इस कोलैबोरेशन में BGMI में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे पहले क्राफ्टॉन ने रणवीर सिंह, हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के साथ कोलैब किया था। अदिति राव और सिद्धार्थ की हुई इंटीमेट वेडिंग। जहां कुछ महीनों पहले ही अदिति राव हैदरी एंड सिद्धार्थ की एंगेजमेंट हुई थी, वहीं दोनों ने इंटीमेट वेडिंग की है, जिसकी पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जहां लिखा है यू आर माई सन, माई मून एंड ऑल माई स्टार्स, टू बींग पिक्सी सोलमेट्स फॉर एटर्निटी, टू लव लाफ्टर, टू नेवर ग्रोइंग अप, टू एटर्नल लव लाइट एंड मैजिक, मिस्टर एंड मिसेज आदू सिद्धू। वहीं पिक्चर्स में अदिति ने बहुत सिंपल साड़ी और बेसिक मेहंदी लगाई है। आलिया और रणवीर गए हॉलीडेज पर। 16 सितंबर को आलिया भट्ट रणवीर कपूर नजर आए एयरपोर्ट पर, जहां उनके साथ उनकी बेटी राहा भी थी। वहीं थोड़ी ही देर में वहां नीतू कपूर भी आ गई, जिसे देखकर राहा बहुत क्यूटली अपनी दादी को बुला रही थी, और राहा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि आलिया, रणवीर और नीतू वेकेशंस के लिए कहां जा रहे हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है।
विवेक ओबेरॉय परफ्यूम्स बेचते थे। 2002 की फिल्म कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले विवेक ओबेरॉय एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब मैं 10 साल का था तो मेरे पापा ने मुझे इनकरेज किया कि मैं परफ्यूम्स बेचूं डोर टू डोर जाकर। उन्होंने सिर्फ मुझे बिजनेस लेसन्स ही नहीं बल्कि लाइफ एंड करियर को लेकर भी काफी कुछ सिखाया है। उसके बाद 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की और 19 साल की उम्र में उन्होंने खुद का स्टार्टअप खोला। कार्तिक ने हाथ मिलाया तनाकरन के डायरेक्टर के साथ। जापान मूवी में लास्ट नजर आए कार्तिक अभी सरदार 2 की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट की है जिसका टाइटल है कार्तिक 29। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, कार्तिक 29 के साथ एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। साथ ही अभी और सरप्राइज आना बाकी है। कैंसर भी हिना खान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक्ट्रेस हिना खान अभी थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करती ही रहती हैं। उन्होंने कैंसर होने के बावजूद भी अपना काम कभी नहीं रोका। वहीं अहमदाबाद टाइम्स नाउ के फैशन वीक हिना खान ब्राइडल लुक में रैंप वॉक करते हुए नजर आई। उनके इस सरप्राइज अपीयरेंस से फैंस काफी ज्यादा स्टंड हो गए हैं। आखिर कितनी फीस ले विजय थैलापति ने अपनी अपकमिंग मूवी के लिए। साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट सेलिब्रेटेड सुपरस्टार में से एक है विजय थैलापति। वहीं विजय थैलापति की रीसेंट मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम एक के एक गोट सिनेमा घरों में रिलीज हुई है जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। वहीं बात करें उनकी चार्ज फीस की तो उन्होंने इस मूवी के लिए 200 करोड़ फी चार्ज की है। खबरों की माने तो उनकी अपकमिंग मूवी थैलापति 69 के लिए वो इससे भी ज्यादा चार्ज करने वाले हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि वो थैलापति 69 के लिए 275 करोड़ चार्ज करेंगे। आफ्टर दिस वो शाहरुख खान से भी हाईएस्ट चार्ज के मामले में आगे निकल जाएंगे और बनेंगे हाईएस्ट पेड एक्टर। जहां शाहरुख खान ने अपनी लास्ट मूवी के लिए चार्ज किया था 250 करोड़, वहीं अपकमिंग मूवी थैलापति 69 में विजय पहली बार काम करेंगे डायरेक्टर विनोद के साथ। मूवी 2025 के अक्टूबर में रिलीज की जाएगी। सलमान खान की टीम ने फैंस को किया वार्न। सलमान खान की टीम ने सलमान खान के फैंस को फेक पोस्ट के बारे में बताते हुए कहा कि कोई फेक पोस्ट से क्लेम कर रहा है कि सलमान खान US आने वाले हैं और वो सलमान खान के नाम पर टिकट्स भी बेच रहा है। उसका ये फॉल्स र्यूमर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल गया है। वहीं सलमान खान के मैनेजर जॉर्डी पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि ये ऑनलाइन टिकटिंग साइट फेक है, सलमान खान US नहीं जा रहे हैं। वो लिखते हैं, स्कैम अलर्ट, डू नॉट बाय टिकट्स, बीइंग सलमान खान इज नॉट मेकिंग एनी अपीयरेंस इन द US इन 2024। वहीं सलमान खान लास्ट नजर आए महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के घर पर गणपति पूजा के लिए। साथ ही सलमान खान बिजी है अपनी अपकमिंग मूवी सिकंदर की शूटिंग में। अक्षय कुमार, परेश रावल एंड सुनील शेट्टी की हीरा फेरी फ्रेंचाइजी की थर्ड पार्ट रिलीज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीरा फेरी 3 के बारे में। वहीं राज ने एक इंटरव्यू में अपडेट देते हुए बताया कि मुझे मेकर्स ने स्टोरी के लिए बुलाया था पर मुझे स्टोरी उतनी खास नहीं लगी। जहां हमने हीरा फेरी 3 के लिए इतने सालों का इंतजार किया तो कुछ सालों का और इंतजार कर ही सकते हैं। मुझे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल का कॉल भी आया था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये हीरा फेरी 3 है, जब तक मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट नहीं मिल जाता है मैं इस फिल्म को हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ। अभी के लिए ये फिल्म अटकी हुई है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। वहीं राज अपनी अपकमिंग मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी सिनेमा घरों में रिलीज होगी 11 अक्टूबर को। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।